गाइस कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि मैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस हम एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 1 गाइस फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर सकते हैं कर चुके हैं गाइस। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो गाइस सेकंड पार्ट क्या है, एक्स एस माइनस टी इज इक्वल टू 3 गाइस। ये होगी अपनी, एक मिनट रुको, ये होगी गाइस अपनी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। और एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 अपॉन 1 गाइस, जो कि हमारी सेकंड इक्वेशन। इसमें वन नहीं था लेकिन 6/1 सेम ही रहता है, ठीक है। अब गाइस फर्स्ट इक्वेशन जो है ये सही फॉर्म में है, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है गाइस, ठीक है ना। लेकिन जो सेकंड इक्वेशन है ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है गाइस, फ्रैक्शन के फॉर्म में कभी भी सही नहीं रहती। तो गाइस अब हम इसको करेंगे गाइस सिंपल फॉर्म में, जैसे एस एस माइनस टी इज इक्वल टू 3 होगा, हम सेकंड इक्वेशन को भी वैसे ही करेंगे। तो इसकी एलसीएम लेके करेंगे गाइस, ये प्लस है ना, इसकी एलसीएम लेके करेंगे। तो एलसीएम आ गई गाइस इसकी 6, ठीक है ना। 3, 2, 1 की एलसीएम आती है 6। तो गाइस अब हम इस पूरे को 6 से मल्टीप्लाई करें, मतलब 6 से डिवाइड करेंगे। तो गाइस 3, 2, 6, तो ये 6 आएगा इधर नीचे ही, ठीक है ना, इज इक्वल टू 6 आएगा। अब गाइस 1 × 6 होता है 6, मैं पहले इज इक्वल टू की बात वाला बता रहा हूँ। तो गाइस 1 × होता है 6, तो गाइस 6 × 6 = 36, इसको हमने गाइस 6 से डिवाइड करा, ठीक है। अब गाइस टी तो 2 × होता है 3, 2 × 3 इज इक्वल टू 6, तो हम टी को भी 3 से डिवाइड कर देंगे। अब गाइस 3 × 2 इज इक्वल टू 6, तो गाइस हम एस को 2 से डिवाइड करेंगे। तो गाइस इन सबको इससे डिवाइड करने के बाद हमारी इक्वेशन बनती है, ये इक्वेशन बनती है अपनी भाई 2s + 3t इज इक्वल टू 6। अब गाइस ये 6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे, तो अपनी इक्वेशन आ गई 2s + 3t इज इक्वल टू 36, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अब गाइस ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। गाइस फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकंड इक्वेशन ये। तो गाइस हमारी फर्स्ट इक्वेशन तो ये हो गई एस माइनस टी इज इक्वल टू 3, और सेकंड इक्वेशन हो गई 2s + 3t इज इक्वल टू 36। अब गाइस एस की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से अपन निकालते हैं, एस इज इक्वल टू 3 + t, क्योंकि इधर इधर माइनस टी में है तो इधर आके प्लस टी हो जाएगा। तो गाइस अब अपन ये एस इज इक्वल टू 3 + t जो वैल्यू आई है गाइस, इसको हम सेकंड इक्वेशन में डालेंगे। तो गाइस ये हो जाएगा 2 3 + t इज इक्वल टू 36, ठीक है। अब गाइस अपन ना एक मिनट रुको, इसको इरेज कर देते हैं एक बार, ये इसको इरेज कर देते हैं ताकि जल्दी इरेज हो जाएगा। अब जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब इसको अपन ये यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। अब ये एस इज इक्वल टू 3 + t आ गया। अब गाइस पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो 6 ये 2 × 3 होता है 6t, ठीक है ना। एक मिनट रुको मैं एक बार देख लेने दो। हाँ गाइस जो होगा 6 + 2t गाइस जो + 3t इज इक्वल टू 36, ठीक है। अब गाइस 2t + 3t हो जाएगा 5t, तो हो गया 5t इज इक्वल टू 36 और 6 प्लस, ठीक है ना। अब 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 इज इक्वल टू 30, तो गाइस 5t इज इक्वल टू 30। अब गाइस t की वैल्यू आ जाएगी 6, क्योंकि गाइस एक मिनट को देखो 30/5 इज इक्वल टू 6, क्योंकि ये डिवाइड में, तो यहाँ पर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब गाइस t की वैल्यू आ गई 36। अब गाइस हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी वो थी गाइस s माइनस टी इज इक्वल टू 3, है ना। अब गाइस s माइनस टी, तो s तो ऐसे का वैसे आ जाएगा, माइनस इधर और 6 इज इक्वल टू 3। अब गाइस s इज इक्वल टू इधर ये 3 है ना, ठीक है ना। तो गाइस एक मिनट रुको भाई, गाइस एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, नोटिफिकेशन आ रही है। तो गाइस ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 + 6 इज इक्वल टू 9। तो चलो गाइस हमने एस और टी दोनों की वैल्यू निकाल दी, एस की वैल्यू 9 और टी की वैल्यू 6। तो गाइस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, तो चलो गाइस बाय बाय।